हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, ये छोटा सा ब्लॉग रहेगा आप सभी के लिए, और आज हम थोड़ा सा घूमने आए हैं यहाँ पर। ये बहुत सुकून देने वाली जगह है और काफ़ी बड़े बड़े आम भी लग रहे हैं। देखो, आम इतने बड़े बड़े लगे हैं और ऐसे पकड़ के आप इनको टच कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, पर खा नहीं सकते भाई। आम अभी ये कच्चे हैं, जब ये पक जाएंगे तब ये खाने के काम में आएंगे। और इधर पीछे जो है वो खरबूजे हैं। इधर इसमें जब गर्मी होती है ना तो हम इधर ही आ जाते हैं, और यहाँ पर ये कद्दू लगा हुआ है, ढेर सारा कद्दू है। कुछ नया सोचा है हमने, और ब्लॉगिंग के लिए थोड़ा सा एक ट्विस्ट, बीच बीच में आपको जानकारियाँ, नवोदय से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी, लेकिन इसमें आपको ब्लॉग्स भी मिलेंगे हमारे, सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो भी आप पूछना चाहते हो, जो भी आप सुनना चाहते हो, जो भी आप समझना चाहते हो, वो हमारे इस चैनल पर मिलेगा। भाई, आप सभी को नाम तो पता ही होगा, नाम हमारा है राहुल चौधरी, बता दिया हमने आपको। 2 साल से अपना नाम ही बता रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ढेर सारा सपोर्ट मिलेगा। फिर एक दिन खरबूजे खाने आएंगे तब भी आपको दिखाएंगे, अभी तो खरबूजे निकल नहीं रहे हैं, पानी भरा हुआ है, इसमें घुस नहीं सकते, नहीं तो हम घुस के दिखा देते। ठीक है, देख लो कितना, मतलब एकदम प्यारी सी लोकेशन है। आप यहाँ पर आके सारी गर्मी शांत हो जाती है, जितनी भी गर्मी होती है वो सब शांत हो जाती है। जब मैं ऐसे वीडियोस डालता हूँ तो लोग कहते हैं, सर आप ये क्या वीडियो डाल रहे हो। हम कहते हैं, यार लोगों को नया नया मसाला देखने को मिलना चाहिए, नई नई चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए, लोग बोर हो जाते हैं चीज़ें देख के। अब ये देखो, कुर्सी यहाँ पर पड़ी हुई है। इस कुर्सी का काम सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जब भी आओ तो अपना आके बैठ जाओ आके, और बैठने के बाद सुकून से फिर ये चीज़ों के दर्शन करो। जो चीज़ें हम लोग, देखो नेचर के पास जो है ना, वो किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों को ये लगता है कि यार हम नवोदय की जानकारी नहीं देंगे, तो उनके लिए हम बता दें, भैया नवोदय की जानकारी देना हमारा जो है प्रायोरिटी है। नवोदय की जानकारी तो हम देते ही रहेंगे, लेकिन बीच बीच में कभी कभी जहाँ हम घूमने जाएंगे कुछ नई चीज़ें दिखाएंगे आपको। ठीक है, जैसे अभी हमने आम दिखाए, एकदम मतलब आम का पेड़ ऐसा है कि आराम से आप ऐसे आम को तोड़ सकते हो। और अभी खरबूजों की महक आ रही है, छोटे छोटे खरबूजे हैं, उनकी महक को सूंघ के ही आत्मा जो है तृप्त हो रही है। जब ये पक जाएंगे ना तब बहुत खाने में आनंद आएगा। ऐसी लोकेशन, ऐसी चीज़ें देखने को आना, और ऐसी गर्मी में माशाल्लाह है भाई, बड़ा मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, भैया इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, नवोदय की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देंगे। और अगर आपके मन में कोई डाउट होता है, अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, तो आप फटाफट से कमेंट करिए। कमेंट बहुत कम आते हैं, कमेंट इतना करो, कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और जब फॉर्म आने वाले होंगे तब भी हम आपको बताएंगे, जब रिज़ल्ट आने वाला होगा तब भी आपको बताएंगे। वो सारी चीज़ें पैरेलल तौर पर चलती रहेंगी। फ़िलहाल के लिए अब हम करेंगे एंजॉय, देखेंगे कोई पका हुआ आम मिल जाए खाने को, नहीं तो कच्चा ही खा लेंगे नमक लगा के। लेकिन आम का सीज़न चल रहा है भाई, आम कौन कौन खा रहा है कमेंट करो फटाफट से। तो अभी थोड़ी देर में घर निकलेंगे, और उसके बाद फिर बताएंगे आपको कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, नवोदय की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, वेटिंग लिस्ट की रिज़ल्ट कब आएगा, ये सारी चीज़ें आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। ओके दोस्तों, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।